अरे आ गया तो स्वागत है आप सभी का लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कास और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेस्ट मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन कौन सा है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्या है उससे स्पेसिफिकेशन, क्या है उसके फायदे और क्या है उसके फीचर्स और सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फिर चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली मेरे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना उसका नाम है डू रिकॉर्ड और ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है रिकॉर्डिंग के लिए। ये बहुत इंटरनल एक्सटर्नल साउंड दोनों रिकॉर्ड करता है एट ए टाइम। मान लो इंटरनल आप मोबाइल में कुछ भी देख रहे हो तो उसका साउंड भी रिकॉर्ड करेगा, जो आउटसाइड नॉइज वगैरह है उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो मैं सिंपली डू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो डू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते ऐसा एक नीचे एक इंटरफेस खुलता है, पे चार ऑप्शन मिलते हैं। तो सीधा हम अगर लाइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाते हैं, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, ट्विच, RTCM, यहाँ पे मल्टी स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हो। तो ये फोर्थ ऑप्शन में आपका हो गया। आपका थर्ड ऑप्शन में आपको मिल जाता है ये जो आपका है रिकॉर्डिंग टूल बॉक्स है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, कैमरा के ऊपर क्लिक करके कैमरा भी ओपन कर सकते हो, अपना फेस कैम कर सकते हो और ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ गिफ रिकॉर्डर भी आप कर सकते हो और वाटरमार्क दे सकते हो। अगर आप डू रिकॉर्डर का वाटरमार्क भी देना चाहते हो तो इससे दे सकते हो। अगर हम सिंपली थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो इस ऑप्शन में आपको सारे सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं वीडियो दिखा रहा है और नीचे मैंने इतने सारे वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं। और अगर मैं साइड क्लिक करूँ तो यहाँ पे इमेजेस, मैं यहाँ पे कोई भी इमेज स्क्रीनशॉट इमेज नहीं लिया, इसी वजह से मेरे को इमेज वगैरह कोई शो नहीं कर रहा है। तो आप नीचे सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पे शेयर का बटन दिया, डिलीट का बटन दिया और स्टिच का बटन दिया, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। और सेटिंग के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे एडिट वीडियो का ऑप्शन दिया जाता है, आपको यहाँ पे मर्ज वीडियोस का भी ऑप्शन दिया जाता है, वीडियो टू गिफ फाइल, वाईफाई ट्रांसफर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो, वीडियो ऑडियो वगैरह आपका इमेज वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट इमेज, यहाँ पे आप इमेज वगैरह एडिट कर सकते हो, स्टिच इमेज, यहाँ पे आप इमेज को क्रॉप वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेटिंग्स के ऊपर तो यहाँ पे आपको दिया गया सब कुछ, अगर आप अपने सेटिंग के हिसाब से एनेबल करना है। आपको वीडियो रिजोल्यूशन कितना रखा है, मैंने यहाँ पे 720p रखा है तो उसी हिसाब से 180p का फंक्शन भी आपको दिया गया, आप 180p भी रख सकते हो। और वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो कितने MBPS में आप रखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया है। वीडियो स्क्रीन के हिसाब से उसका क्वालिटी जो चेंज होता रहेगा। और आप यहाँ पे FPS देख सकते हो, वीडियो ओरिएंटेशन और रिकॉर्ड ऑडियो, जो आउटसाइड आपका इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड बाई एंड्रॉइड नो, मतलब अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका इंटरनल ऑडियो जो है रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका जो लोकेशन कहाँ पे आप वीडियो को सेव करना चाहते हो उसका सेटिंग है। और इन्वर्ट वीडियो कलर आप यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हो, रिपेयर सिस्टम वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। रिकॉर्डिंग मोड स्टैंडर्ड रखा है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड द रिकॉर्ड विंडो व्हेन रिकॉर्ड, आप जो यहाँ पे देखते हो चार बटन आता है ना, तो ये हाइड हो जाता है मेरा जब रिकॉर्डिंग शुरू होता है। सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगर आप फोन हिलाओगे तो वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, इसको मैंने डिसेबल किया है, कहीं अगर गलती से मेरा फोन अगर सेक हो गया तो डिसेबल होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। काउंटडाउन आपका 3 सेकंड रखोगे, 5 सेकंड रखोगे, मैंने यहाँ पे सिंपली 3 सेकंड रखा है। 3 सेकंड काउंटडाउन होगा, उसके बाद आपका जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। और यहाँ पे बहुत सारे पॉज रिकॉर्डिंग फॉर इनकमिंग कॉल, जब कॉल आता है तो आपका रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगा। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग टूल्स में आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज बदल सकते हो, आपका जो क्रिएट वीडियो एडिटर शॉर्टकट और डेस्कटॉप भी कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इससे कैसे किया जाता है। तो अब जो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है, इस रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करते हैं, मेरे को परमिशन मांगा है, डू रिकॉर्ड विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, मतलब आपके स्क्रीन में कुछ भी दिखाई दे रहा हो उसको वो रिकॉर्ड करना चाहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखो आप मेरा काउंटडाउन 3, 2, 1 हो गया और सिंपली यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसा कुछ मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक कर देना, आपका वीडियो जो है रेडी है। तो हमने जितना भी कुछ रिकॉर्ड किया तो सब कुछ आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे ऑफर में दिखा रहा है लोड पे अमेजन पे बैलेंस गेट फ्लैट 50 बैग, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।